आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, न्यूज़पेपर, मीडिया या सोशल मीडिया कहीं पे भी आपने शिवजी की ये वाली प्रतिमा ज़रूर देखी होगी। ये आदियोगी प्रतिमा है जो कि भारत के तमिलनाडु स्टेट के कोयम्बटूर शहर से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। खैर, ऐसी ही एक प्रतिमा बेंगलोर में भी बनाई गई है। इन प्रतिमाओं को ईशा फाउंडेशन के संचालक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने बनवाया है। ये 112 फीट की प्रतिमा है और अपने में ही अनोखी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आप कैसे आदियोगी पहुंच सकते हैं, यहाँ पहुंचकर आप कहाँ रुक सकते हैं, ईशा फाउंडेशन में कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं अगर यहाँ पर आपको साधना के लिए आना है तो, क्या प्राइसिंग है ईशा फाउंडेशन में योग साधना की और यहाँ पर कुछ दिन रुकने की, कैसा होता है यहाँ का लाइट एंड साउंड शो, और कोयम्बटूर में आप और क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस घूम सकते हैं, कितना खर्चा आपका अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है इस ट्रिप पर, और भी कई सारी जानकारियाँ आदियोगी से रिलेटेड। तो इन सभी जानकारियों को जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो दोस्तों, बिना वक्त जाया करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले ये जानकर कि आप आदियोगी कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप आदियोगी आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कोयम्बटूर पहुंचना होगा। कोयम्बटूर की हर तरह की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोयम्बटूर जंक्शन पड़ेगा, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको कोयम्बटूर का ही एयरपोर्ट मिल जाएगा, और अगर आप भारत के किसी भी हिस्से से यहाँ पर बाय रोड आना चाहते हैं तो आप बाय रोड ईजिली पहुँच सकते हैं, चाहे खुद की गाड़ी हो, बस हो या टैक्सी हो, कैसे भी। कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन से आदियोगी का डिस्टेंस 30 किलोमीटर के आसपास का है। यहाँ से आदियोगी के लिए डायरेक्ट ऑटो चलते हैं जो कि आपसे 1000 to 1100 रुपीज़ चार्ज करेंगे अप एंड डाउन दोनों के, और आप यहाँ से चाहे तो टैक्सी या ओला उबर से कैब भी बुक करके जा सकते हैं। और अगर आपको बजट फ्रेंडली ट्रिप चाहिए तो कोयम्बटूर के बस स्टैंड से 14D नंबर की बस सीधी ईशा फाउंडेशन जाती है, सीधी आदियोगी तक जाती है। इसका फेयर 46 रुपीज़ है और ये आपको हर 40 टू 45 मिनट में एक बस मिल जाएगी। तो आप ऐसे डायरेक्टली ईशा फाउंडेशन आदियोगी पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर पहुंचते हैं तो यहां पर आपको दो मार्ग दिखते हैं, एक आदियोगी की तरफ जाने का और दूसरा ध्यानलिंगा ईशा फाउंडेशन में जाने का। अगर आपको ईशा फाउंडेशन में जाना है तो आप अंदर बैग, मोबाइल फोन्स और कैमरा नहीं ले जा सकते। इसके लिए यहाँ पर सामने आपको निशुल्क डिपॉजिट काउंटर्स दिख जाएंगे। आप यहाँ पर अपने बैग, मोबाइल फोन, कैमरा जमा कीजिए। यहाँ पर ये लोग एक टोकन देंगे, इसको संभाल कर रखिए, और इसके बाद आप अंदर ईशा फाउंडेशन में जाते हैं। अंदर जाते ही आप यहाँ की एनर्जी फील करेंगे जो कि बेहद शांत और पॉजिटिव लगती है। यहाँ पर आपको अंदर जाते ही सूर्य कुंड दिखेगा जहाँ पर पुरुष लोग स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर 20 रुपये की टिकट कटती है जिससे आप एक पोशाक खरीदेंगे और इस कुंड में स्नान करेंगे। स्त्रियों के लिए यहाँ पर चंद्र कुंड है, इसके लिए भी आप 20 रुपये में पोशाक लीजिए और यहाँ पर सिर्फ स्त्रियां ही स्नान करती हैं। जैसे आप थोड़ा अंदर जाएंगे यहाँ पर आपको एक काफ़ी बड़ी नंदी जी की प्रतिमा दिखेगी, ये भी अपने में एक खास प्रतिमा है। इसके बाद थोड़ा आगे जाकर यहाँ पर आपको भैरवी मंदिर दिखेगा, आप इसके भी दर्शन ज़रूर करें। ये मंदिर दिन में 12:30 से 4:30 तक बंद रहता है। इसके बाद आप अंदर जाकर देखेंगे यहाँ का ध्यानलिंग जो कि काफ़ी बड़ी एक शिवलिंग है जिस पर वासुकी नाग ने 7 कुंडलियां मारी हुई हैं, और ये जगह बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई है। आप यहाँ पर 15 मिनट बैठकर जब ध्यान लगाएंगे आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। वैसे अगर आप अपने जीवन में थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं या थोड़े परेशान चल रहे हैं तो यहाँ पर आप वेलनेस के लिए ईशा फाउंडेशन के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पर जाना है जो कि आपको शो हो रही होगी। इसके बाद यहाँ योगा एंड मेडिटेशन पर जाना है और यहाँ पर इनर इंजीनियरिंग पर क्लिक करना है।
इसके बाद आप यहाँ रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 20,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। उसमें आपका फूड, आपका स्टे, आपकी योगा, आपकी साधना सारी इंक्लूड रहेगी। और फिर ये आपके नंबर ऑफ स्टेज पर भी डिपेंड कर सकता है। ये आपको काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी और जॉयफुल एनवायरनमेंट देगा। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं तो इनका ये प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ से आप प्योर खादी के अपेरल्स की भी शॉपिंग कर सकते हैं। अंदर स्टोर्स बनाए हुए हैं। इसके बाद आप जब यहाँ से बाहर आएंगे और वहाँ से आप आदि योगी के लिए जा सकते हैं, जो कि यहाँ से 700 से 800 मीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अगर आप यहाँ से पैदल नहीं जाना चाहते तो यहाँ पर बुलक कार्ट की भी सुविधा है, जिसमें आप पर एडल्ट 20 रुपीस देकर बुलक कार्ट से आदि योगी तक जा सकते हैं। अब जैसे ही आदि योगी पहुँचेंगे, यहाँ की प्रतिमा देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। एक बेहतरीन शिव जी की 112 फीट की प्रतिमा है ये आदि योगी, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। और ये 112 फीट की ऊंचाई मानव तंत्र में 112 चक्रों का प्रतिनिधित्व करती है। और ये प्रतिमा शिव जी के अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, आदि योगी अर्थात सबसे प्रथम योगी जिन्होंने योग साधना को अडॉप्ट किया था, जो कि स्वयं शिव शंकर थे। माना जाता है कि यह प्रतिमा योग के प्रति लोगों में प्रेरणा जगाने के लिए है और शिव को योग का प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ पर सामने आपको मंडप दिखेगा, यहाँ पर पूजा अर्चना और आरती की जाती है। यह प्रतिमा वेल्यनगिरी पर्वत की तलहटी में कुछ हिल्स के बीच में सिचुएटेड है, जो कि बेहद शानदार व्यू लगता है। यहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो कि बेहद सुंदर लगता है। ये लाइट एंड साउंड शो 7 to 7:30 चलता है। आप देखिए लाइट एंड साउंड के कुछ अंश। इसके बाद आप यहां से कोयम्बटूर की डायरेक्ट बस पकड़ सकते हैं, जो कि लास्ट बस 9 बजे की होती है। लाइट एंड साउंड शो के बाद आप यहां से 8 बजे की, 8:30 बजे की और 9 बजे की बस पकड़कर कोयम्बटूर पहुंच सकते हैं। और यहां पर एक कैंटीन भी है, आप चाहें तो यहां पर कुछ स्नैक्स या यहां पर आप खाना खा सकते हैं। इसके प्राइस आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। आप चाहें तो ईशा फाउंडेशन से कोयम्बटूर के बीच में एक और फेमस टेम्पल पड़ता है, जो है पेरुपतीश्वर टेम्पल। ये भी भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी भव्य मंदिर बना हुआ है कोयम्बटूर में। इसके भी टाइमिंग का बता दूं, ये दिन में 12 से 4 तक बंद रहता है। आप इस टाइमिंग को ध्यान में रखकर दर्शन के लिए जाएं। और अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप कोयम्बटूर की और भी टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें से पहला है आरुलमिगो मुधि विनायगर टेम्पल। ये गणपति जी को समर्पित मंदिर है, जिसकी मूर्ति काफ़ी बड़ी है और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। इसके बाद आप जा सकते हैं श्री अयप्पम टेम्पल, जिसे कि दूसरा सबरीमाला मंदिर माना जाता है। इसके टाइमिंग मॉर्निंग में 5 to 1 और दिन में 2 to 8 तक की है। इसके बाद आप एक और फेमस टेम्पल जा सकते हैं, जो है करीवा राधा राजा पेरुमल टेम्पल। आप जा सकते हैं जीडी म्यूजियम, जो कि एक कार म्यूजियम है। इसके बाद आप जा सकते हैं वीओसी पार्क, जो कि यहाँ का जूलॉजिकल पार्क है। मरुथामलाई मुरुगन टेम्पल। और इन जगहों को घूमने के लिए आप पूरे दिन के लिए एक ऑटो बुक कर सकते हैं, जो कि आपसे 800 to 1000 रुपीज चार्ज करेंगे। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं। स्कूटी रेंट का यहाँ पर चार्ज 400 to 500 पर डे रहता है। और फिर आप नेक्स्ट डे चाहें तो यहाँ से ऊटी या कुन्नूर भी विजिट कर सकते हैं। वो भी आप स्कूटी ले जाकर विजिट कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं हिल एरियाज में स्कूटी चलाने के लिए तो। या फिर आप चाहें तो कोयम्बटूर से ऊटी या कुन्नूर की डायरेक्ट बस पकड़कर ऊटी या कुन्नूर पहुँच सकते हैं।
ऊटी जाकर कहां पर विजिट करें, कहां रुके, कितना खर्चा होगा, इस पे हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको आई बटन पर भी शो हो रही होगी, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही सेम हमने कुन्नूर की भी वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन से वहां पर गो थ्रू कर सकते हैं और चैनल पर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। ऊटी में टॉय ट्रेन में कैसे घूमे, इस पे भी हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, आप चैनल से गो थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद अगर एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप कोयम्बटूर के आउटस्कर्ट्स एरिया में भी कुछ फॉल्स, कुछ वाटरफॉल्स, कुछ डैम्स और कुछ हिल एरियाज हैं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, जैसे अलियार डैम, विलियनगर हिल्स, मंकी फॉल और भी कई सारे। अब बात करते हैं यहाँ पर बजट की। अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास 700 टू 1000 ईजिली एक ठीक ठाक स्टे मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करें फूड की, यहाँ पर आपको साउथ इंडियन फूड एक नॉमिनल रेट पर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडियन चाहते हैं तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आप एक स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं जिसका चार्ज पर डे का 450 टू 500 रह सकता है, और अगर आप पूरे दिन के लिए ऑटो बुक करना चाहते हैं तो उसका चार्ज 800 टू 1000 रुपीस पड़ सकता है। और अगर आपको यहाँ पर शॉपिंग करनी है तो आप गांधीपुरम में शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फ्ली मार्केट और अच्छे खासे आउटलेट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप बात करें यहाँ पर बेस्ट टाइम विजिट का, तो यहाँ पर नवंबर टू मार्च बेस्ट टाइम रहता है विजिट करने का, वरना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनके साथ जो आदि योगी आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर हमने कोई भी डिटेल देनी मिस कर दी है तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको जल्द से जल्द एडिक्वेट रिप्लाई ज़रूर देंगे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव।